नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज़। और आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ घोसी तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा बीबीपुर, और आपको ये ब्रिगेडियर उस्मान के गांव में लेकर आए हैं। यहीं के ब्रिगेडियर उस्मान जी थे जो शहीद हुए थे, और हर साल उनका जो है हर न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाता है शहीद का। और यहाँ पे बड़े बड़े जो है जब उनका होता है तो वहाँ पे दिवस पे लोग बहुत सारे लोग आते हैं। आपको लेकर पहुँचे हैं बीबीपुर में, और बीबीपुर में एक इलाहाबाद बैंक का फ्रेंचाइजी का मामला है। वो जो है एक यहाँ पर 8 साल से फ्रेंचाइजी चल रही थी, और लगभग 4,500 लोगों का वो पैसा लेकर के फ्रेंचाइजी वाला बैठ गया है, और थाने और डखाने में और चाहे कहीं भी जाने पे एसडीएम के हैं कोई सुनता नहीं है। आजकल सिर्फ फरकत्ता लेकर के यहाँ की जनता घूम रही है, और इनके जनता की गाड़ी कमाई जो है वो फ्रेंचाइजी वाला आराम से ऐश कर रहा है। और इस समय जो है इन लोगों के पास जितने लोग पैसा जमा किए थे सब लोग परेशान हैं। किसी के घर शादी थी, किसी की दवा की ज़रूरत है, किसी का मतलब हर तरह से लोग परेशान हैं। इनको पैसे की ज़रूरत थी, आखिरकार इन लोगों का वही जमा पूंजी उसमें बैंक में है, और बैंक वाला भाग गया है। आखिरकार ये बैंक वाला जब भाग गया है, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि बैंक को दिखाइए, ये बैंक को दिखाइए। यही बैंक था, यही एक शटर में बैंक खोला हुआ था जो 4,500 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर दिया है। आखिरकार योगी आदित्यनाथ के सरकार में जब बड़े बड़े लोगों पर बुलडोजर चल रहा है, तो ऐसे छोटे मोटे फ्रेंचाइजियों के साथ क्यों नहीं इनका पैसा रिकवरी करके जनता को मिले, और इनके ऊपर बुलडोजर चले और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, और ये इनको जेल भेजा जाए। और आपको बताते चलें कि आज हम बीबीपुर में वहाँ के लोगों से मिले हैं और आपको मिलवाते हैं। ये सभी लोग आप देख रहे हैं सबका पैसा बाकी है। क्या नाम है आपका? मुन्ना गुप्ता, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि। कितना पैसा बाकी है आपका? हमारा बाकी नहीं है, लेकिन जनता का बाकी है। आइए मिलवाते हैं प्रधान जी। क्या नाम है अपन? जी रमावती देवी। किस जगह पैसा जमा की थी आप? ए बीबीपुर। क्या नाम था उस फ्रेंचाइजी का? मोजानवा। उसका फ्रेंचाइजी वाले का नाम वो था ना? बैंक का क्या नाम था? इलाहाबाद बैंक। कितना पैसा आपका है? 5 लाख। 5 लाख रुपया जी जमा किए हैं? दो तीन साल हो गया। थाने में गई थी आप? जी। क्या हुआ? बोले हैं कि हम देख लेंगे आप क्या करोगे। कितने दिन से आप लोग देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं? दो साल हो गए। 2 साल से दौड़ रहे हैं जी। कितने साल से फ्रेंचाइजी वाला भागा है यहाँ से? बहुत भागा है, कई बार दिखाया। अब 3 बार हम लड़की के शादी के दिन डाली, कोई भी नहीं दिया। लड़की की शादी में मतलब जो पैसा जमा की थी वो पैसा नहीं मिल पाया है? जी नहीं। अब कितनी मतलब क्या इस समय चल रहा है आपका? तो बड़ी परेशान हो गया जी। कैसे खर्चा उर्चा चल रहा है? उसी तरह चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक महिला थी, इनका 5 लाख फंसा है, और कैसे परेशान आई आप लोगों और मिलवाते हैं लोगों से। क्या नाम है चाचा? अब्दुल मजीद। किस फ्रेंचाइजी वाले का क्या नाम है? खुजैमा। किस बैंक का था ये? इलाहाबाद का शाखा था, सिपा का, बीटू का रहने वाला है, घोसी का। पूरा पता आपको पता है? हाँ, 22वाड़ा में। अच्छा ये बताइए तो ये कितना पैसा आपका है? हमारा पैसा, हम सर 4 लाख रुपया हज के लिए जमा किए थे, जो जुटा के वो लेके भाग गया। कितना दिन हो गया? अरे साल भर से ऊपर हो गया, बात नहीं होता है। कब से बंद है ये? 1 साल से। आइए और उसके संपर्क नहीं किए उसे आप? वो सब लोग कहते हैं कि मिलेगा मिलेगा, लेकिन मिला एक पैसा नहीं। 1 साल के गए थे जी? हाँ। एसडीएम साहब के गए थे? अरे एसपी साहब के भी गए थे। एसपी साहब के भी गए थे जी? हाँ। क्या हुआ? वो थाने में लाके उसको बंद किए थे। हाँ। उसके बाद ये हुआ कि हम 45 दिन के अंदर पैसा सबका देंगे, यही कह। आप देख रहे हैं ये बूढ़े बुजुर्ग, आपकी उम्र कितनी होगी? 78 साल। 78 साल के बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये पैसा रखे हुए थे अपना जीवन व्यापन करने के लिए, बुढ़ौती में काम आने के लिए, लेकिन पैसा इनका हज करने के लिए, और पैसा इनका जो है फंस गया है। और अब मऊ के जो एसएसपी साहब हैं अविनाश पांडे जी, उनके पास भी गए थे लोग, तो वहाँ से थाने में आए, और थाने में फिर उसको बुलाया गया, और उसको 45 दिन का समय दे दिया गया, लेकिन 12 दिन हो गया। और हमको लगता है, और ये लोग बता रहे हैं, सूत्र भी बता रहे हैं कि वो पैसा देने वाला नहीं है, वो कहीं भागने के फिराक में है। आइए और कुछ लोगों से मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? सिर बशीर अपन। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं बीबीपुर के हूँ। किस बैंक में पैसा जमा किए थे आप? इलाहाबाद बैंक में। कितना पैसा? हमारा है 6.5 लाख रुपया। 6.5 लाख जी सर। किस काम के लिए जमा किए थे आप? सर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा किए थे, बच्चों के नाम से है सर, 3 बच्चों के नाम से जमा किए थे, हमारे नाम से भी कुछ। हमारा लड़का विदेश रहता है सर, वहाँ से पैसा इसी खाते में आता था, और ये ऊपर ऊपर निकाल लेता था हमारा पैसा सब। बाद में सर चेक करने गए हम वहाँ सिपा,
इसके बड़े बैंक में, तो वहाँ बतला रहा है कि आपका कोई पैसा नहीं है, 500 रुपया आपके खाते में पड़ा है। कह रहा है कि आपका कोई पैसा नहीं है? नहीं। क्या नाम था उसका? यहाँ के बैंक का अबीपुर वाले का नाम है खोजमा सिद्दीकी। फिर इसके मेन ब्रांच में नहीं गए आप? मेन ब्रांच में सर बोल रहे हैं कि खाते में आपके पैसा नहीं है, 500 रुपया सिर्फ बचा है। निकाल लिया? सब निकाल लिया, ये खोजमा सिद्दीकी निकाल लिया। इसका कस्बा में घर है सर, मलिक टोला कस्बा। और क्या कहना चाहेंगे आप? और सारी जनता है, आप लोग, आप जनता से पूछ लीजिए, सबका पैसा है, पूरा बीवीपुर का 4,000-4,500 कम से कम खाते धारक हैं इसमें सर, सबका पैसा ले लिया। और बैंक का पासबुक सर अपने ले लिया है, पासबुक भी नहीं दिया है किसी को, बहुत बहुत थोड़े लोगों को पासबुक दिया है और सब पासबुक लेके रख लिया है। जी जी सर, बहुत बड़ा धोखाबाज। आप देख रहे हैं कि 4,500 लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया है, और बताइए 4,500 लोगों को उल्लू बना करके वो निकल गया। और जो है, और मिलते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? हमारा अनिल नाम है सर। कितना पैसा आपका? 1.5 लाख रुपया है। हमारे हम वो 2 साल हो गया जमा करने, हमारा पैसा आता था दिल्ली से, हमारी बीवी जमा की थी, सब पैसा लेकर चला गया। हम यहाँ काम करते हैं, गर्रा माटी का काम करते हैं। आप देख रहे हैं कि गर्रा माटी करने वाले लोगों का भी पैसा फंसा दिया। क्या नाम है आपका? गणेश। कितना पैसा है? 1,53,000। कब जमा किया है? अरे कई साल से हम जमा कर रहे हैं, जब से बैंक खुला था। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारा 80 साल उम्र हुई करीब। आप देख रहे हैं कि 80 साल उम्र है और पैर से अपाहिज भी है, चल नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का ये पैसा फंसा दिया। और कोई है भैया? क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बीवीपुर के। कितना जमा किया है? 80,000 है। फिक्स किया था, बोले थे कि फिक्स है, लेकिन फिक्स नहीं है। पैसा चेक किया तो 5 ब्रांच में गए थे जी। क्या हुआ वहाँ? बोला कि आपको 5 रुपया बस सिर्फ जमा है इसमें। 5 रुपया? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 10-10 लाख 20-20 लाख जमा करा करके 5 रुपया खाते में छोड़ा है, किसी के 7 रुपया छोड़ा है, 20 रुपया छोड़ा है। आखिरकार ऐसे फ्रेंचाइजियों पर लोग विश्वास कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं योगी सरकार की ये बात है, अन्य सरकारों की हम क्या बात करें। योगी जी इतने बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन बातें इनके खोखले होते हैं, धरातल पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे फ्रेंचाइजी फर्जी लोग चला रहे हैं और लेके भाग चल रहे हैं। बैंक भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, बस आशा दे रहा है, थाने डकाने जाने की कोई सुनवाई नहीं होती। और कौन है भैया? क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवाज। कितना पैसा है इसमें? हमारा 3 लाख रुपया फंसा है। 3 लाख रुपया जी। सब जमा किया है? जमा तो 3-4 साल से हम इसमें कर रहे हैं। बैंक पहले सिपा था मेरा। आप गए थे बैंक में? जी। कितना चेक किया आप? चेक किए तो एक भी पैसा नहीं है हमारे बैंक खाते में। कितना पैसा था? 3 लाख रुपये। इनके खाते में 3 लाख रुपया देकर उसने 0 बैलेंस फ्रेंचाइजी वाला छोड़ दिया है। आप देख रहे हैं कि एक चाची हैं। क्या नाम है चाची? मुन्नी। कितना जमा? 3-4 खाता, 10,000 15,000 है। क्या करते हैं आपके परिवार के लोग? क्या करते हैं? दौरी जुगाड़ करते हैं। देख रहे हैं ऐसे ऐसे गरीबों का पैसा फंसाया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं बीबीपुर का जो है, बीबीपुर का ये जो है जगह है, आप बहुत 4,500 लोगों का पैसा जो है, 4,500 लोगों का पैसा फंसा दिया है। क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद। मेरे भाई का इकबाल अहमद। इकबाल अहमद मेरे भाई है। कितना पैसा? उनका 4,500 रुपया लगभग। 4,500 रुपया जी। चेक कराने गए तो 5 रुपये बता रहा था। आप देख रहे हैं इनका 4,500 रुपया था और 5 रुपया जो है बैंक में छोड़ा है। ऐसे ऐसे निकमों के ऊपर योगी आदित्यनाथ के सरकार में कब कार्रवाई होगी देखना है कि 4,500 ग्राहक जो है परेशान है इस समय इलाहाबाद बैंक के। ऐसे में इलाहाबाद बैंक पर भी एक्शन लेना चाहिए, जो अधिकारी कर्मचारी जो प्रदेश के हैं इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और कोई है? क्या नाम है? शिव बहादुर। कितना पैसा आपका जमा है? हमारे बीवी खाते में पैसा 2 लाख रुपया। ये बोले कि ऐसा है कि हम भाभी आपका पैसा फिक्स कर दे रहा हूँ, उसका कोई प्रूफ नहीं दें, ये अभी तक पासबुक भी रखे हैं, जो पुराने पासबुक से निकाले हैं पैसा उसको फिक्स किए हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। हमारा बीच में तबीयत भी खराब हुआ था, उनसे बोला भी गया था, कई मरतबा बोला गया था, बाकी बोला कि हाँ आज कल अब बोल रहे हैं कि 1,70,000 है। हम कहे 1,70,000 हमारा मानते हो तो वही हमारा दो, बाकी दो सिपा भी गए थे उसमें, उसमें कुछ नहीं है, उसमें वो नहीं है, वो दिखाई नहीं रहा कि उसमें जीरो बैलेंस, उसमें जीरो बैलेंस इनका भी। आपका क्या नाम है? सामदे। कितना पैसा हो? 17,000। 17,000 एक खाता, दो खाता में 17,000 एक के दोनों खतवा। कितना उम्र हो पर? अरे हमारे 75 से आ गया। अरे भाई वही में बड़ बाजार करे के रखत रही है, निकालत रही। आप देख रहे हैं ये, देख लीजिए ये पासबुक है इनका,
श्यामदेव मोहन जी जो है देख लीजिए इनका पासबुक है और इनको भी ठग दिया है। और कोई है? ठग दिया बाबू तो का कोई हमसे। क्या नाम है आपका? रविशंकर। कितना पैसा है आपका? 49,000। 49,000? 49,000 है। हाँ। कब से जमा किया है? 2 साल हो गया। 2 साल? हाँ। निकाले नहीं? नहीं, निकालने गया तो 0 बैलेंस दिखाया। इस समय 1,000 रुपया है खाते में। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये कैमरामैन से बोलेंगे, सबको दिखाइए यहाँ से, लाइन से सबको दिखाइए, सबको लाइन से दिखाइए कि देखिए सभी का पैसा फंसा हुआ। अभी ये लोग मुश्किल से 50 लोग हैं, अभी जो है 4,000 लोगों का पैसा बाकी हुई है। आप देख रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सभी लोगों का पैसा फंसा हुआ है। और कोई है? कितना है आपका? 1,00,000 रुपया। क्या नाम है? भृगुनाथ यादव। कब जमा किया है? नोटबंदी से पहले से जमा करते हैं। सद्दोपुर। क्या करते हैं? गर्रा माटी। ऐसे ऐसे मजदूरों के पैसे ले लिए जो गर्रा माटी करते हैं, आखिरकार इस पर कब कार्रवाई होगी फ्रेंचाइजी पर? और क्या नाम था फ्रेंचाइजी वाले का? खुजैमा सिद्दी। आप देख रहे थे सुपर फास्ट न्यूज, फिर मिलेंगे, नमस्कार। काट दीजिए। आइए यहाँ के प्रधान जी से भी बात करते हैं कि इलाहाबाद बैंक वाला जो फ्रेंचाइजी कितना पैसा जो है टोटल इसमें जमा था और इनके पास कितनों की लिस्ट है, कितना पैसा जमा था इसमें? पहले इस न्यूज टीवी चैनल के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ इस फ्रेंचाइजी चलाने वाले खुजैमा सिद्दीकी के यहाँ लोग बहुत प्रेम से लिया करके पैसा लगभग 8 सालों से अपने खाते में डालते थे, निकालते थे, लेकिन विगत 2 साल पहले पूर्व से इसने घपला करना शुरू कर दिया। कम से कम 4 करोड़ रुपया लोगों का, लगभग 4,500 लोगों का 4 करोड़ के लगभग लेकर के फरार है। किस तरीके से, किस भी से निकाला? ऐसी लिस्ट है ये? या लिस्ट है सर, या लिस्ट या था, एसपी से लेके थाने तक लिया गया है। खाता था इसमें लगभग 4,500 से कम नहीं होगा खाता? हाँ, 4,500। 4,500 के लगभग खाता है जी। बहुत लोग दूसरे जगह से खाता खोल के इतना विश्वास इसके पर किए थे कि इतना बढ़िया विश्वास से चल रहा था, लेकिन पासबुक पे हाथ से लिखता था। जी जी, ये आपको बता दें कि हाथों से जो है पासबुक पे लिखता था और इस पे 4,500 लोगों का खाता नंबर इसमें है और अंगूठा लगवा करके बेवकूफ़ बनाया। नमस्कार।